हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं M10 ईयरबड्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें हमारा M10 ईयरबड्स मिल जाता है। मैंने इसे पास ही की एक दुकान से ख़रीदा था। इसकी कीमत मुझे तकरीबन 600 रुपये पड़ी है, पर ऑनलाइन में इसकी कीमत आप देखेंगे तो चेंज होती रहती है। कुछ लोग इसे 500 में, 600 में बेचते हैं, कुछ लोग इसे 800 में और 1000 रुपये में भी सेल कर रहे हैं। इस मॉडल का नंबर M10 है, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है। इसके पहले हमने हमारे चैनल पर F9 TWS ईयरबड्स का भी रिव्यू किया हुआ है, आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है वायरलेस वर्जन 5.3, तो 5.3 वर्जन पर यह काम करता है। इसके पहले जो F9 ईयरबड्स था वो 5.0 पर काम कर रहा था। इसकी जो वायरलेस डिस्टेंस रेंज है वो तकरीबन 10 मीटर की है और ये 2 घंटा लेता है चार्ज होने के लिए, और एक बार चार्ज करने पे तकरीबन 5 घंटे का बैकअप देता है। लेकिन ये तो कंपनी क्लेम करती है 5 घंटा, लेकिन रियल में ये 5 घंटे का नहीं देता है, इससे कम ही देता है। इसके बॉक्स के दूसरी तरफ देखें तो इसका इंडिकेटर दिया गया है। 2 तरीके के इंडिकेटर्स इसमें आते हैं, ऊपर वाला जो है वो स्टैंडर्ड है, नीचे वाला जो है वो लग्जरी LED इसमें लिखा गया है। लेकिन इस प्रोडक्ट में इस तरीके का ही डिस्प्ले दिया गया है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो चलिए हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इसका सील ऑलरेडी ओपन है, क्योंकि मैंने शॉप में लेने के वक्त इसे वहीं पर चेक कर लिया था, क्योंकि काफ़ी कंप्लेन इसमें आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि एक बार परचेस करने के बाद उनका जो ईयरबड्स है वो ऑपरेट ही नहीं होता है, तो काफ़ी मसले होते हैं एक्सचेंज करने में, और रिपेयर वपेयर होने का बहुत मसला हो जाता है। गारंटी वारंटी भी बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज़ होते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप जब परचेस करें वहीं पर उसी शॉप में आप इसे चेक कर ले और तसल्ली कर ले कि आप जो ले रहे हैं वो सही, आपको सही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। तो यहाँ हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है। तो ये रहा हमारा ईयरबड्स का केस, साथ में 2 इसके ईयर पीसेस मिलते हैं हमें। इसके साथ में एक यूज़र मैनुअल मिलती है, काफ़ी छोटी सी यूज़र मैनुअल है। इसके अलावा हमें एक पाउच मिलता है जिसके अंदर इसकी चार्जिंग केबल है, और साथ में 4 इसके जो ईयर पीसेस के जो रबर्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, 4 एक्स्ट्रा पीसेस। चार्जिंग केबल की अगर आप बात करें तो काफ़ी छोटी सी इसकी चार्जिंग केबल है। इसकी लंबाई आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ खास काम आपके नहीं आने वाली है, आपको एक्स्ट्रा एक चार्जिंग केबल खरीदनी ही पड़ेगी। एक तरफ इसकी नॉर्मल USB पोर्ट दी गई है, दूसरी तरफ इसकी माइक्रो USB पोर्ट दी गई है। चलिए इन चीज़ों को हम लोग फिलहाल साइड में रख देंगे, अब बढ़ते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो फिलहाल हम इसके केस को बाहर निकाल लेते हैं और दोनों ईयर पीसेस को भी बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, ईयर पीसेस को अगर आप देखें काफ़ी बढ़िया इसकी फिनिशिंग लग रही है फिलहाल देखने में। तो ये वाला ईयरबड्स तो चालू भी हो गया है, आप देखिए इसकी लाइट्स ब्लिंक हो रही है रेड और ब्लू में, ये वाला चालू नहीं हुआ है शायद। तो आप फिनिशिंग देखें तो ठीक ठाक फिनिशिंग है इसकी। एक ये है इसका लेफ्ट वाला ईयर पीस और ये रहा इसका राइट वाला ईयर पीस, और कुछ डॉट्स, 2 डॉट्स आपको दिखते हैं। तो इन दोनों डॉट्स की मदद से ही इसे जब आप केस में रखते हैं तो ये चार्ज होता है। इसकी जो अगर आप देखेंगे इसकी जो डिज़ाइन है वह ठीक डिज़ाइन है, क्योंकि आप जब इसे आपके ईयर्स में डालते हैं तो ये आपके ईयर्स के जो मतलब जो सेंटर का जो स्पेस होता है उसमें ये जाकर फिट हो जाता है। तो उस वजह से जैसे काफ़ी सारे ईयरबड्स होते हैं ना, उनके साइजेस बड़े होते हैं, जब आप कान में लगाते हैं तो वो काफ़ी बल्कि काफ़ी बड़े दिखते हैं, वो ऑड लगते हैं। तो उस सिचुएशन से अगर आप देखेंगे तो ये ठीक ठाक मुझे लग रहा है, इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है। केस को हम लोग ओपन करते हैं। इस केस की एक खास बात है कि इसे आप एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं एज एन इमरजेंसी, लेकिन इसकी जो जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 3500 mAh की ही है। तो आप ज़्यादा अगर, क्योंकि आजकल के जो फ़ोन्स होते हैं वो उनकी जो बैटरी होती है वह 5000 mAh की होती है, तो 3500 का तो ये केस खुद ही है, उसमें से इसे अपने जो ईयर पीसेस से इन्हें भी चार्ज करना है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं दे पाएगा, लेकिन इमरजेंसी में आप इससे कुछ परसेंटेज आपके फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बैक साइड में जो कवर को खोलने पर आपको यहाँ पर 2 ओपनिंग्स दिखती हैं। एक तो है हमारी जो नॉर्मल USB वाली जो ओपनिंग है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे, और दूसरी जो है वो माइक्रो USB जिसकी मदद से आप इस केस को चार्ज कर पाएंगे। इसे चार्ज करने के लिए तकरीबन आपको 2 घंटे तक इसे चार्ज पर लगाना होगा, उसके बाद ही ये चार्ज होता है। तो मतलब इसमें फास्ट चार्जिंग की अभी फैसिलिटी नहीं दी गई है। बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों, बॉक्स का जो ओपनिंग वाला जो सीन है वो भी इसमें नॉर्मल सा ही है, इसके अंदर
मैग्नेटिक ओपनिंग नहीं दी गई है, जो कि जो इसके पहले हमने और दो तीन ईयरबड्स जो हमारे चैनल पर रिव्यू किए हैं उसमें ऐसी मैग्नेटिक ओपनिंग दी गई थी, लेकिन इसमें नहीं है वो चीज़, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे इसके अंदर। चलिए हम लोग ईयरपीस इसको केस में डालते हैं एक एक करके। देखिए ईयरपीस इसको डालने पर इसकी लाइट्स ग्लो होने लग गई है, फिलहाल दोनों में लाइट्स ग्लो हो रही है रेड कलर की, और बैटरी बैकअप दिखा रहा है सेंटर में 69%, मतलब ये जो केस है फिलहाल ये 69% चार्ज है, और अपने अंदर की जो बैटरी है उसकी मदद से ये दोनों ईयरबड्स को चार्ज करने लगा है। आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों फिलहाल चार्ज हो रहे हैं। इसको बंद करने पर कुछ इस तरीके से ये दिखता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे चार्ज कैसे करते हैं। तो नॉर्मल से हमारे जो चार्जर्स होते हैं मोबाइल चार्जर, उसकी माइक्रो यूएसबी पोर्ट से मैं इसे चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ की जो केबल है वो कुछ काम की नहीं है, तो मैं अपने खुद की केबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने माइक्रो यूएसबी पोर्ट को इसे इंसर्ट कर दिया। अब देखिए इसकी जो यहाँ पर जो फिगर है ये 69%, ये देखिए ब्लिंक होने लगा है, इसका मतलब ये केस फिलहाल चार्ज हो रहा है। देखिए 69 से 70% हो गया, तो कुछ इस तरीके से ये चार्ज होता है, साथ ही में ऑटोमेटिक ये ईयर पीसेस को भी चार्ज करने लगा है। और इसके बाद हम देखते हैं इसका जो पावर बैंक वाला जो फीचर है उसे भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमने केबल को इससे कनेक्ट कर दिया है, अब हम इसे मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, अब देखेंगे कि ये पावर बैंक की तरह काम करता है कि नहीं। हाँ तो चार्ज होने लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बारीक से आपको लोगो दिख रहा होगा चार्जिंग का। फिलहाल जो मैंने इसे हमारा जो बॉक्स है ये फिलहाल इससे पहले 69 से 70 हुआ था, लेकिन अब ये वापस से रिवर्स होने लगा है, पहले 70 था फिर 69 हुआ, अभी 68 हो गया है, तो मतलब ये मोबाइल को भी चार्ज करता है। देखिए 67 हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी इसकी जो बैटरी है वो ड्रेन हो रही है। तो मैं इसे फ़िलहाल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए अब इसे हम चेक करेंगे कनेक्ट करके फ़ोन से इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ईयरबड्स में से एक एक करके दोनों ईयरबड्स ईयर पीसेस को बाहर निकालूंगा। अब देखिए जैसे ही मैंने इसे बाहर निकाला इस पर लाइट्स ब्लिंक होने लगी है, दूसरे वाले को भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ, दूसरे पर भी लाइट ब्लिंक हो रही है, लेकिन जैसे ही दूसरे वाले को मैंने निकाला तो उसके कुछ सेकंड्स में पहले वाले की लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो गई। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैर हो गए हैं, अब हमें इस वाले ईयरबड को मोबाइल से कनेक्ट करना है। जैसे ही मैं इसे मोबाइल से कनेक्ट कर लूँगा ये दोनों ईयरबड्स ऑटोमेटिक मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है तो चलिए अब हम मोबाइल में ब्लूटूथ ओपन कर लेंगे। अवेलेबल डिवाइस में यहाँ पर M10 दिखा रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इससे पैर कर लूँगा। इसमें कुछ वार्निंग आ रही है लेकिन मुझे इसके बारे में ठीक से नहीं पता, फिलहाल मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे दोनों ईयरबड्स 100% चार्ज है और वो मोबाइल से कनेक्ट हो गए हैं। तो अब मैं कुछ मेरे यूट्यूब में से मैं कुछ प्ले कर लूँगा ताकि हम इसकी साउंड क्वालिटी को चेक कर पाए। हमारे ही चैनल की कोई वीडियो को हम इसमें प्ले कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने वीडियो को प्ले कर लिया है, अब हम चेक करते हैं इसमें साउंड कैसा आता है। आप देख सकते हैं कानों पर लगने के बाद ये कैसा दिखता है, ये कान के अंदर ही मतलब सेट हो जाता है, तो बाहर से ये दिखने में बल्कि नहीं लगता है, ये और नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ईयरबड्स को पहन लिया है और काफ़ी बढ़िया साउंड आ रहा है फिलहाल, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो दोनों में काफ़ी बढ़िया साउंड आ रहा है फिलहाल। तो दोस्तों इस ईयरबड की जो साउंड क्वालिटी है वह एवरेज ही है, बहुत अच्छी नहीं है वो, ना वो बहुत ख़राब है, लेकिन वह ठीक ठाक है, आपका इसे काम चल जाएगा। यहाँ पर मैं इसकी साउंड क्वालिटी आपको माइक्रोफोन के ज़रिए सुनाने की कोशिश करता हूँ, ऑलरेडी ये मोबाइल से कनेक्टेड है। दोस्तों जिस प्राइस बैंड में ये प्रोडक्ट आता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक प्रोडक्ट ये है।
इसके अलावा इसमें और एक फीचर है, जैसे कि आप एप्पल एयरपोड्स में जब भी आप ईयरफोन को केस में रखते हैं ऑटोमेटिक वो फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो सेम फीचर इसमें भी दिया गया है। जैसे ही मैं ईयरफोन्स को जो ईयरबड्स हैं हमारे उनको मैं केस में वापस से रखता हूँ, ये ऑटोमेटिक मोबाइल फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और बाद में जब भी मुझे इसे इस्तेमाल करना होगा मैं बस ईयरबड्स को केस से बाहर निकालूंगा और ये ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो इसमें फैसिलिटी दी गई है वह काफ़ी यूज़फुल साबित होती है। इस तरह के ईयरबड्स में अक्सर ये कंप्लेन आती है कि जैसे ही आप ईयरबड्स को केस में वापस रखते हैं तो इसकी जो लाइट्स है वह ग्लो नहीं होती है, तो ऐसे में आपको बस इसके ईयरबड्स के अंदर आप देखेंगे दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आपको दिखते हैं, सेम दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आपको इसके केस में भी दिखेंगे, बस उन दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। कभी कभी इस पर डस्ट आ जाती है जिसकी वजह से यह बराबर कनेक्शन नहीं होता है, और इसके वजह से आपकी जो इसके अंदर की जो लाइट्स है वह ग्लो नहीं करती है। तो यह बस एक छोटा सा मामूली सा इश्यू है जो कभी कभी होता है, और इसे आप आसानी से टेक ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप M10 या F9 या ऐसे कोई भी चाइनीज़ ईयरबड्स खरीदते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी वक्त डिलीवरी को एक्सेप्ट करने से पहले आप मतलब सेम वक्त आप इसे चेक कर ले कि इसमें कोई डिफेक्ट या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने जब इसे शॉप से ख़रीदा था तो उस वक्त मैंने दो पीसेस को ऑलरेडी टेस्ट किया और उन दोनों में इशू था, तो मैंने उन दोनों को रिजेक्ट किया और जो तीसरा पीस था वो पीस मैंने परचेस किया। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे मतलब प्रॉब्लम्स हैं इस डिवाइस में। मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, पर मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मुझे दो प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ा और जो तीसरा वाला था वही मेरा जो प्रोडक्ट है वो ठीक ठाक निकला। इसके जो ईयरफोन है इसके जो अगर बैकअप की अगर मैं बात करूँ कि कितनी देर ये काम करता है, तो एक बार चार्ज करने पर इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है कि ये 5 घंटे तक चलता है, लेकिन दूसरे लोग जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे पूछा मैंने तो उनका कहना था कि ये 1 से 2 घंटा ही मैक्सिमम चलता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लगातार यूज़ करते हैं गेमिंग में या किसी और ऐसी चीज़ में जहाँ पर लगातार आपका ईयरफोन ऑन है, तो ऐसे में जो इसका जो टाइमिंग है वो काफ़ी कम हो जाता है। मुझे लग रहा है वो 1 घंटा भी ठीक से नहीं चलता है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम यूज़ करने वाले हैं तो ऐसे में मैं आपको ये वाला रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका छोटा मोटा यूज़ है, आप कभी ओकेशनली म्यूज़िक यूज़ करते हैं म्यूज़िक के लिए या कॉल्स के लिए आपको यूज़ करना है तो ऐसे में ठीक है, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं, आप ज़्यादा घंटे तक मतलब ऑनलाइन होते हैं, आपको लगातार ईयरफोन का इस्तेमाल होगा, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आपको ठीक ठाक बैकअप दे पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं होंगे तो जब मैंने दोनों ईयर पीसेस को बॉक्स के अंदर रख दिया और उसे बंद कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो दिखने में इसका जो आउटसाइड से लुक है वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो हमारा जो एप्पल के जो एयरपॉड्स के जो केस होते हैं उनके मुकाबले इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बल्की लगता है, लेकिन डिज़ाइन अच्छी हो तो इतना कोई मसला नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं तो आप इसे टेबल पर रखते हैं तो ये और नहीं लगता, और साथ ही में इसका जो ईयर पीसेस है उसकी जो साइज़ है वो काफ़ी छोटे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको मेंशन किया, तो वो भी इसका एक अच्छा पार्ट है। रही बात बैकअप की तो वो इतना खास नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो ये पूरा होता है। अगर आपको इस ईयरफोन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बढ़िया से अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।